नमस्कार, सृजन में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। दर्शकों, आज हम सपने की बात करने वाले हैं। भारत के भूतपूर्व राष्ट्रपति ने बहुत खूब कहा था कि सपने वो होते हैं जिनके वजह से हमें नींद नहीं आती है। सपने वो नहीं होते हैं जो हम नींद में देखते हैं। और ये सपना क्या है असल में? ये सपना हमारी प्रतिभाओं का होता है जिसे हमें उभारना पड़ता है, और हर एक उस सपने की अपनी कहानी होती है जिसे हमें सामने लाना होता है, दुनिया तक पेश करना होता है। सपने की इसी कहानी को हम एक खास कलाकार के साथ सुनने जा रहे हैं, उनकी जुबानी। जुड़े रहे सृजन के साथ। एक बार फिर आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। सृजन के साथ आप लोग जुड़े हुए हैं, हमें बेहद खुशी हो रही है। आज हमारे स्टूडियो में उपस्थित हुए हैं भारत से, कोलकाता से आए हुए श्री अर्णब भट्टाचार्य जी। श्री अर्णब जी, आपका हार्दिक स्वागत है। थैंक यू, हम शुक्रगुजार हैं आपने मौका दिया यहाँ पे आने। अपने दर्शकों को बता दें कि आप वैश्विक स्तर पर, वर्ल्ड वाइड, आप एक बहुत जाने माने सरोद वादक हैं और कोलकाता से आए हुए हैं। अलाहाबाद विश्वविद्यालय से आपने संगीत प्रभाकर की विद्या प्राप्त की है, और आपके साल में लगभग 200 कंसर्ट्स होते हैं पूरे टेक्सास से लेकर यूएस से लेकर यूएसए और यूके और सेंट्रल एशिया और यूरोप में, हर जगह। आप मॉरिशस में हैं अभी, और आपको बहुत सारे पुरस्कार भी प्राप्त हुए हैं आपके डेडिकेशन के लिए, आपकी प्रतिष्ठा के लिए, आपके प्रोफेशनलिज्म के लिए। नवीन सरोद और सरोद प्रभाकर, सरोद ओडिशा से, इस तरह के बहुत सारे इनाम प्राप्त हुए हैं। और आपके अपने बैंड हैं और क्लासिकल हिंदी म्यूज़िक संगीत के साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन इसके साथ साथ आप जाज़ और ब्लूज़ के साथ भी जुड़े हैं। बहुत सारी बातें करने वाले हैं। सबसे पहले हमारे दर्शकों को आप बताइए कि ये सरोद के साथ आपका रिश्ता कैसे बना, कहाँ से बना, कैसे आपकी यात्रा? सबसे पहले तो शुरू करूँगा, मैं 4.5 साल का था तो मेरे पिताजी बजाते थे, प्रोफेशनली नहीं, वो बैंकर है तो वो बजाते थे, वो पंडित राधिका मोहन मैत्र के उनके पास सीखते थे। तो बचपन में घर पे वो वातावरण था, तो हम नींद से उठते थे तो देखते थे पिताजी रियाज कर रहे हैं। मुझे पता नहीं था कि वो इंस्ट्रूमेंट क्या है, लेकिन अच्छा लगता था। तो अब जब होते हैं कि 4.5 साल हम खेल रहे होते हैं, तब टीवी हम लोगों को देखने का कोई पिताजी मना करते थे, टीवी नहीं देख सकते हैं। तो एक दिन पिताजी ने हाथ पकड़ कर मुझे, तो घर में हम खेलते थे तो एक ही सीरियल हम लोगों का देखना होता था, वो है रामायण। तो मैं अपने आप को वो राम कंसिडर करके वो घर पे तोड़ फोड़ करता था। तो उसको बंद करने के लिए पिताजी ने एक दिन हाथ पकड़ के मेरे गुरुजी पंडित बुद्धदेव दासगुप्ता के पास लेके गए। मुझे आज भी याद है वो दिन। तो वो 6 फुट 4 इंच के, तो हम गए बहुत डरे हुए। तो उन्होंने मुझे पूछा कि तुम ये बजाओगे, वो इंस्ट्रूमेंट उनके घर पर था, तो उन्होंने पूछा आप बजाओगे। तो मुझे इंस्ट्रूमेंट को पहले, क्योंकि पिताजी के हाथ पे देखे हुए थे, तो मैंने बोला हाँ बजाएंगे। तो पिताजी ने, उन्होंने पिताजी को कहा कि आप बनवा दो। तो एक छोटा सा सरोद, छोटा सा, एकदम छोटा सा सरोद, तब से शुरू हुआ, आज तक जारी है। तो पहले पिताजी घर पे सिखाते थे, 5 मिनट 10 मिनट कर करके सिखाते थे, उसके बाद प्यार से मार मार के सिखाते थे। फिर गुरुजी के पास जब एडवांस ट्रेनिंग के लिए गए, उनके घर पे रह के, हम लोग गुरुकुल बोलते हैं उसे, उनके घर पे रह के तालीम शुरू हुआ सब मिल के, बस आज तक वो तालीम चल रहा है वैसे ही। ये सफ़र कैसा रहा, मुश्किल रहा? आपको लगा एक मोड़ पे आकर कि मेरे भीतर वो सृजन हैं, वो प्रतिभा हैं, टैलेंट हैं? सही में पूछे तो कभी पता नहीं था कि मैं म्यूजिशियन बनूंगा या तो मैं सरोद प्लेयर बनूंगा। हर हम बंगाली फैमिली से आते हैं, तो हम लोग का ब्लड में फुटबॉल होते हैं, तो आई वॉज वेरी फैसिनेटेड इन फुटबॉल। मैं मतलब सीनियर लेवल पर खेलता था फुटबॉल, आई वॉन्टेड टू बी अ फुटबॉलर, मैं फुटबॉलर बनना चाहता था। तो लेकिन इन द ईयर ऑफ 1994 1 फरवरी मेरे गुरुजी को संगीत नाटक एकेडमी अवार्ड मिला। तो हमारे जितने सारे स्टूडेंट्स थे गुरुजी के और जितने चाहने वाले थे, सब मिलके एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया कलकत्ता में, तो जहाँ पे गुरुजी बजाएंगे, उनके साथ तबले संगीत करेंगे पंडित स्वपन चौधरी। तो उनके पहले तो उनका जो स्टूडेंट्स हैं वो एक परफॉर्म करेंगे, ऐसे एक सेटअप हुआ था। तो सब में चुनना शुरू कर दिया कि कौन बेस्ट स्टूडेंट है यंग, तो हम 4 स्टूडेंट्स को चुने गए। तो पहली बार मुझे लगा कि मुझने वो शायद काबिलियत है। अच्छा, तो वो
स्टेज पे गए हम लोग, सामने 6,000 ऑडियंस बैठे हुए हैं, वो ज़िंदगी में पहली बार मेरा इतना बड़ा ऑडियंस के सामने। उसके पहले तो हम बजाते थे 6.5 साल की उम्र से, इधर उधर प्रोग्राम्स में, घर में बैठक होते थे हम लोगों के ज़माने में, बजाते 6,500 ऑडियंस के सामने पहली बार बजाया। अगले दिन न्यूज़पेपर पे मेरा नाम छपा है, तो वो तब हमारे लिए बहुत बड़ी बात थी। तो हम स्कूल में गए, तो स्कूल में घुसते ही सब अलग मतलब नज़र से देख रहे थे कि ये सरोद बजाता है, ये फुटबॉल भी खेलता है, ये सरोद बजाता है। उसके पहले किसी को पता भी नहीं था कि हम सरोद बजाते हैं। तो वो पहली बार लगा, वो पहली बार सरोद को पूरे इंटरेस्ट आया कि इसके चलते हुए लोग मुझे जानते हैं, इसके चलते हुए लोग मुझे पहचानते हैं। क्योंकि तब वो हम लोगों का इंडिया में एक न्यूज़पेपर होता है स्टेट्समैन, इट वॉज बहुत बड़ा न्यूज़पेपर था, तो उसमें एकदम फ्रंट पेज पे मशहूर डायरेक्टर सत्यजीत रे ने एक कॉलम लिखा चाइल्ड प्रोडिजी बोल के। अच्छा, सो वो एक बूस्ट हो गया मेरे लिए। तो तब मुझे लगा कि नहीं, हम सरोद को कंटिन्यू कर सकते हैं। तब से हमने सीरियसली बजाना शुरू किया। फिर उसके साथ साथ पढ़ाई भी चलने लगे, हम इंजीनियरिंग किए। तो तभी भी हमने ये ठाना नहीं था कि आई विल बी अ म्यूजिशियन, मेरे को सरोद प्लेयर मैं बनूंगा ये, क्योंकि हम लोग बंगाली फैमिली से आते हैं, सिक्योरिटी रीजंस होता है, पढ़ाई लिखाई नौकरी एक जनरलाइज्ड आइडियाज़ होते हैं। तो नौकरी कर रहे हैं, नौकरी करते उसके साथ प्रोग्राम्स हर जगह बजा रहे हैं, सब ठीक है, लेकिन आई हैव नेवर टेकन इट सीरियसली कि मुझे म्यूजिशियन ही बनना है। ये तभी हुआ जब मैं बाहर गया US में, तो नौकरी के सिलसिले में, तो मुझे लगा कि एक टाइम आया कि मैंने देखा कि हाफ ऑफ द टाइम आई एम स्पेंडिंग इन ऑफिस, मैं ऑफिस में ही ज़्यादा से ज़्यादा दिन बिता रहा हूँ। तो अंदर ही अंदर एक खोट हो रहा था कि मुझे रियाज नहीं हो रहा है, आई एम नॉट प्रैक्टिसिंग। तो मैंने छुट्टी ले लिया, 9 दिन के लिए छुट्टी ले लिया ऑफिस से, एंड आई प्रैक्टिस्ड। और वो 9 दिन मेरे ज़िंदगी का, आई वुड से इट वॉज अ टर्निंग पॉइंट। मुझे तब लगा कि नो, आई हैव टू बी अ म्यूजिशियन, मुझे म्यूजिशियन बनना है। अच्छा, मुझे सरोद बजाना है, मुझे इसके साथ रहना है, तो मुझे नौकरी नहीं करना है। तो उसके बाद इंडिया वापस आ गया, नौकरी छोड़ दिया, सरोद को एकदम प्रोफेशनली एकदम लेके बस आज तक चला। फिर एक दूसरा मोड़ शुरू होता है जब आपके कंसर्ट्स शुरू होते हैं। कंसर्ट्स हम बचपन से बजा रहे हैं, मतलब फर्स्ट स्टेज आई डिड इट इन मेरा जब 6.5 साल की उम्र था, तब शुरू किया मैं। 97 मैं क्लास 9 पे था, तब से मैं इंटरनेशनल टूर कर रहा था, गुरुजी के साथ टूर किया, तब से स्पेन पोर्टुगल तब से टूर कर रहा हूँ। बट मुझे हमेशा लगता था कि सरोद हमेशा एक ऑप्शन है मेरे लिए, नौकरी प्रायोरिटी है। लेकिन वो 9 दिन जब मैंने नौकरी को छुट्टी दे के प्रैक्टिस शुरू किया, वो 9 दिन मेरी ज़िंदगी का टर्निंग पॉइंट है। तब मुझे लगा कि नहीं, मेरे को सरोद प्लेयर ही बनना। इनफैक्ट मैंने जब नौकरी छोड़ा था जिस दिन, तब मेरे पास एक भी कॉन्सर्ट नहीं था। तो सब ने बोला था कि नौकरी नहीं छोड़ना चाहिए था, नहीं छोड़ना चाहिए क्योंकि इंडियन क्लासिकल है, पता नहीं मेरा कोई लेगेसी नहीं है, तो होगा कि नहीं पता नहीं। तो लेकिन ठीक है, चल रहा है ऐसे।